सो गाइस, ये आहूजा का SPA 1000 है, सिंगल चैनल वाला मशीन जिसका हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। पैकेजिंग काफ़ी अच्छा आहूजा का, देख सकते हो सील पैक है और सील टेप के साथ साथ पिनअप पैक भी किया गया है। काफ़ी फेमस ब्रांड है आहूजा, देखोगे आप हर जगह टेंट हाउस वाला डिजिटल जिसको यूज करता है, तो हम लोग भी इसीलिए इसको लिए हैं। और भी ब्रांड था लेकिन अब तो भरोसा नहीं फिलहाल। एक जो है मेन मशीन जो इसको रखे हैं, अब साइड से जो है कुछ और मशीन रखा जाएगा लेकिन ये मेन मशीन ही रहेगा। ये जो है कभी धोखा नहीं देता है, इसका रिकॉर्ड बढ़िया है। पैक भी कर दिया, सब कुछ ठीक है। अब इस तरह से पैकिंग दिखेगा सोने का थर्मोकॉल का, क्योंकि काफ़ी हाई क्वालिटी थर्मोकॉल है, अलग अलग चीज़ में भी काम आ सकता है हम लोग का। और ये रहा मशीन, ऑपोजिट साइड में रखा हुआ है, हो सकता है कि हम लोग उल्टे खोल दिए। हाँ, और इसका मेरे ख्याल से वजन 60 kg के आसपास है, क्योंकि याद नहीं जाती है। तो कि काफी बेहतरीन है। और इसके साथ एक गाइड बुक आता है जो कि आपको कैसे ऑपरेट करना है उसका नॉलेज मिल जाएगा आपको। आहूजा का ये जो मशीन है, मॉडल नंबर देख लो क्या है और क्या क्या है। तो फर्स्ट ये वारंटी कार्ड है जो आपको 1 साल का वारंटी देता है, जैसा कि उन्होंने बताया था। और ये मॉडल है SPA 1000, सिंगल चैनल है। गाइड बुक इसलिए दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है कुछ हेल्प हो कि कैसे कैसे इसको यूज़ किया जाए, आपको जो है कम्प्लीट गाइड मिल जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक इंग्लिश का आइडिया है, या अगर आपको आइडिया नहीं है, आपको जानकारी नहीं थी किसी जो 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 इसके जो जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, उनको देखा हो तो वो बता देंगे कैसे कैसे सेट किया जाए। बहुत सारा यूट्यूब वीडियो भी है जिसको देख के आप सीख सकते हो कैसे सेटअप किया जाए। ठीक है, तो हम लोग साइज करते हैं वारंटी कार्ड को और देखते हैं मशीन इस में क्या क्या सिस्टम दिया हुआ। तो प्लास्टिक हम लोग पहले जिसको खोल लेते हैं, ऐसे भी खोलने चलेगा, ऐसे प्लास्टिक इसका पैक प्लास्टिक नहीं होता। तो गाइस देख सकते हो कि बैक से कैसा है ऑप्शन इस एम्पलीफायर का, थोड़ा मेटल और यहाँ MCB DC, उसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पर जो है माइक का जो वायरिंग का ग्राउंड वायरिंग ग्राउंड है, और यहाँ पर जो है निकल रहा प्लस इनपुट, यहाँ पर इनपुट फाइलेंसर माइक सिस्टम, पीछे से कुछ इस तरह दिखता है। हम लोग इसमें नए हैं तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे कैसे सही किया जाए, हम लोग ही गाइड बुक पढ़ने वाले हैं। ये पूरा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको पकड़ने के लिए बहुत अच्छा देता है ग्रिप, 2 पर्सन मिलकर पकड़ सकता है इसको, 1 पर्सन भी उठा सकता है, लेकिन थोड़ा सा हेवी है। अब देख सकते हो कि अंदर की तरफ क्या क्या दिखता है। यहाँ एक ट्रांसफार्मर दिख रहा है हम लोग को, और यहाँ एक कॉइल है। सामने तरफ दिखाता हूँ, घुमा जाता हूँ सामने तरफ से, तो सामने पर देख सकते कि कुछ इस तरह से पावर का ऑन ऑफ स्विच, ओवरलोड का साइन, रीसेट, यहाँ पर जो है ऑडियो जब बजेगा तो उसका जो है लाइट इंडिकेट करेगा। उसके बाद बॉक्स है कि चोंगा है, उससे आपसे जो यहाँ पर इनपुट आउटपुट ऑप्शन देगा, मतलब बॉक्स पे आ रहा है तो बॉक्स का भी ऑप्शन है, अगर आप
चूंगा बजा रहे हो तो चूंगा का भी सेट कर सकते हो आप जाते हैं। ठीक है, ये आपका जो एम्पलीफायर है ये चूंगा में भी काम करेगा और बॉक्स में भी काम करेगा। बस यहाँ से क्या है, बॉक्स वाला ऑन रहेगा तो क्या बेस साउंड देगा, और ये वाला कर देगा ऑप्शन तो ये चूंगा वाला साउंड ज़्यादा देगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से ये मशीन है। हम लोग को मार्केट में कॉस्ट पड़ा है इसका 32,000 के आसपास कॉस्ट पड़ा है इसका। ठीक है, तो आप मैं रिकमेंड करूँगा आप लोकल मार्केट से लेना, लोकल मार्केट में कम में मिल जाता है ये। ऑनलाइन लेने जाओगे तो आपको 40,000-45,000 ऐसे मांगेंगे। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो ऑफलाइन देखो, 32,000 में ये मिल जाना चाहिए। ठीक है, बेचना लाइक कर दो, नहीं लाइक कर दो। और लेना है अगर ऑनलाइन तो मैं आप कुछ लिंक दे दूंगा नीचे का, जो कि आप वहाँ से ट्राई मार सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ऑफलाइन ही लो। ठीक है, थैंक्स।